हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। आप लोग अब सामने देख रहे होगे भाई एक मतलब बिल्कुल ही ब्रांड न्यू R1M ले आए हम लोग। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली ये बाइक आप लोग देख सकते हो, ये बाइक जो है बिलोंग करती है भाई लक्की को अपने, और उसने इससे पहले भी थीम करा रखी थी और उसके दिमाग में भाई एकदम से मतलब कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, एकदम से सडनली बस कल भर का टाइम था हम लोगों के पास, एकदम से इसका मूड घूमा कि भाई चल हम कुछ कराने चल रहे हैं। मैं कहा क्या कराना है बता तो सही, कह रहा नहीं पहले करोल बाग चल फिर बताऊंगा। मैं कहा चल भाई ठीक है। उसने पुरानी वाली जो ग्राफिक्स थी उसको क्यों उतरवा दिया और मतलब उसको उतरवा करके ये क्यों लगवा दिया, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भाई सबसे पहले तो यही बता, वो जो जोकर वाली थीम थी उसको उतारने का क्या जोश था जब तेरे को रैप ही करवानी थी? तो मतलब बताया था यार बोर हो गए थे बहुत जल्दी, तू भी तो हो गया था। हाँ। यार मतलब उसमें ना बहुत ज्यादा थीम अच्छी थी, मैं कभी भी नहीं तो मैंने कभी भी गलत बोले नहीं। अरे बहुत बंदों ने डीएम करके पूछा कि भाई कहाँ से कराई है ये, बहुत बहुत यूनिक भी थी वो। हाँ। सब कुछ अच्छा था उस चीज में, कोई दिक्कत नहीं, पर ना यार बहुत ज्यादा मतलब मैंने ऐसे लगता है ज्यादा देखने का उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा था, बहुत सारे उसमें कलर थे, कलर लगता वो मतलब सात आठ थोड़ी आई कैचिंग ज्यादा हो रही थी रोड पे, बहुत नजरों में पड़ रही थी सब लोगों के, हाँ कोई देखता था तो एक अलग ही हो जाता था। फिर मैं उससे ना बोर भी हो गया था, और एक चीज और उसकी कभी भी एक तो अगर उसको साफ ना करूं तो वो गंदी दिखती थी। हाँ, क्योंकि उसपे व्हाइट व्हाइट रैप ज्यादा था, व्हाइट रैप ज्यादा था, गंदी ज्यादा दिखती थी, और अगर मैं साफ करूं तो बहुत क्या होते हैं जो डॉटेड उसमें, हाँ हाँ मतलब अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड था, तो उसको साफ करना या मतलब प्रेशर वॉश तो लगवा ही नहीं सकता था मैं उसमें, उसमें नॉर्मल उसमें सबसे बड़ी बात है लेयर के ऊपर लेयर थी तो उसके छूटने की चलो वो चीज भी नहीं है क्योंकि वो काम ही ऐसा होता बिल्कुल, तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी थी, और मैं थोड़ा उस टाइप का बंदा कि मैं इतनी केयर नहीं कर पाता जो ऑनेस्टली बात है। तो इस गाड़ी में क्या है, इस गाड़ी में ना मैंने इसलिए इसे कलर और मतलब ये थीम जो है जो भी कुछ है वो तो मैंने तेरे को बता दिया होगा कि मैंने एक वो इंस्टाग्राम पे बंदा है R6 पनीशर करके फोटो अटैच कर दी। अरे कचौड़ी खाते खाते तो भाई को याद आया था 10 बजे सुबह कचौड़ी खा रहे, कह रहे करोल बाग चलो, मैं कहा भाई क्या हो गया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था वो, तो मैं उस बंदे को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, फॉरनर बंदा है R6 पनीशर करके, तो उसकी R6 मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत टाइम से अच्छी लगती है। नहीं यार ये वाला कलर ना उनका चल भी बहुत ज्यादा है, फॉरनर बहुत करा रही है कलर, ग्रे ना आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में, कुछ ज्यादा ट्रेंड में करवा लेते हैं क्या दिक्कत है। तो मैंने ये कलर करवाने का एक तो रीजन ये था कि इसके अंदर मेरे को कुछ बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कराना था जो दिखे आंखों में चुभे उस टाइप का, क्योंकि मैं चाहता तो ग्रे के ऊपर व्हाइट भी करवा सकता था जो और ज्यादा निखर के आता, बिल्कुल, पर मैंने ब्लैक इसलिए कराया कि दोनों ही डार्क रहेंगे थोड़े से दबे रहेंगे तो अच्छा है, और आजकल थोड़ा सा थीम भी डार्क वाली चलती है हर जगह पे, कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, तो इस वजह से मेरे को ये वाला कलर पसंद आया। इसमें क्या है ना, इसमें कोई भी चीज पार्टीशन में डिवाइड नहीं है, अगर ये टैंक है तो ये पूरा सिंगल एक ही कलर का टैंक है, और ये अंदर से वीडियो में तेरे को दे दूंगा तुमने बताई तो है वीडियो ना अंदर से, मतलब ये नहीं कि कई लोगों में क्या होता है ना कि लोग पार्ट मतलब करोल बाग में स्पेशली बता रहा हूँ ठीक है, और कहीं जगह का मुझे नहीं पता, मैंने जहाँ पे पिछली बार A1 ग्राफिक्स से कराया था बहुत अच्छा काम किया था, समय लिया था बहुत अच्छा काम करा था, मैं तो हमेशा तारीफ करता हूँ उनके काम की ठीक है, पर जब मैंने अभी करोल बाग से करा ना, करोल बाग में हर जगह पे ये बहुत सीन है कि वहाँ ना फटाफट कम कस्टमर को टकाते हैं, पर मैं ताकि दूसरा पकड़ सके, ताकि दूसरा पकड़ सके, जो राजू भाई है इनसे हमने याद है हमने फर्स्ट टाइम जब अपनी रैप कराई थी वो लैमिनेशन, जिस दिन हमने गाड़ी खरीदी उसके नेक्स्ट डे हम लैमिनेशन, और एक नहीं तीन तीन बाइक तीनों चारों जितनी भी अपनी गाड़ी थी सारी लैमिनेशन उन्होंने करी थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली टकरा गए करोल बाग, मैंने कहा राजू भाई मेरे को ये सब करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बकायदा एक एक पार्ट गाड़ी का सारा निकाला, उनको अंदर से कवर करा, फिर उनके ऊपर रैप चढ़ा दी ताकि वो निकले ही ना, तो बहुत मतलब मस्त तरीके से ये पूरा का पूरा रैप करवा दिया। पहले मेरे मन में एक चीज और थी कि ये तुर याद है जब मैं ये चीजें मतलब ब्लैक करवाने की सोच रहा था कि पूरा टैंक में ब्लैक करवा लूं, फिर ब्लैक मतलब ब्लैक टैंक रहने दिया, बाकी सारा गन मेटल ग्रे करवा दिया, फिर मजा नहीं आया, तो मैंने कहा यार ग्रे तो किसान है अब जब हो रहा है तो पूरा ही हो, फिर मैंने ये वाला पार्ट लेफ्ट और राइट वाला ये करा दिया, मैंने कहा बीच वाला ब्लैक बीच वाला फिर मजेदार नहीं लग रहा नहीं आ रही थी, तो फिर हमने ग्रे करा दिया, फिर पूरा ग्रे कराने के बाद मैंने कहा इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा तो पूरा ग्रे हो गया, तो फिर मैंने एक पट्टी करवा दी, फिर जो इसकी जो सोमा निकल के आई है ना, ये थोड़ा पार्टीशन में डिवाइड हो गया, बाकी मैं आप लोगों को बाइक दिखा दूं, देखो सबसे बेस्ट जो पार्ट मुझे इस बाइक का लग रहा है ना, मतलब इतना हिस्सा देखो, देखो ये यहाँ से क्रॉस करते हुए ये सामने का और ये फ्रंट का और ये मडगार्ड के साथ, भाई इतनी ओपी लग रही है, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो DRL से वो जल रही है, तो इसने पहले ना ब्लू कलर की करवा के देखी थी कि थोड़ा ओला से भी मैच जाएगा ब्लू ब्लू, बट ब्लू में उतना मजेदारी नहीं बन रही थी ना, ब्लू नहीं रह रहा था वो स्काई ब्लू हो जा रहा था, हाँ क्योंकि व्हाइट और वो डार्क ब्लू भी नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो फिर हो जाएगा, तो भाई ये पूरा का पूरा रेड हम लोगों ने प्रॉपर करा लिया, ये थोड़ा ना इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग में थोड़ी सी कमी रह गई, बट हम इसे ना दोबारा से करवा देंगे रेड करवा देंगे, हाँ रात ज्यादा हो गई थी ना तो वो लोग दुकान बंद करने का टाइम हो गया था, बजे हो गई थी, फिर अंधेरे में ना काम वही वाला, हाँ पता है वो होता है, तो वो घर वाली बातचीत है, कभी भी अगर जाओगे ना कोई भी होगा अगर उनसे काम करा कभी भी जाओ वो अपना ऑटोमेटिक ठीक कर देंगे, तो भाई ये आप लोग देख सकते हो, देखो प्रॉपर पूरी तरीके से जो है काम इसने करवा रखा है, और मुझे देखने में पर्सनली बाइक जो है ना भाई, मतलब देखो एक कलर के साथ ना थोड़ा फायदा ये रहता है कि आपको ना मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, बट इसके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ भाई ये पूरा का पूरा जो रैप हम लोगों ने कराया है मैं उसकी आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, ये जो कॉस्ट हुआ है, किसी को हम रेफर नहीं करते,
जिस दिन कटेगा उस दिन उतर ही जाएगा। वो सॉक वाली बात है, सॉक की कोई कीमत नहीं होती है। मैंने भी कराया, अपने रिस्ट पे कराया, पर मैंने ग्रे इसलिए कराया ना कि देखने में ना थोड़ा आरसीपी पे मैच हो जाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं आरसीपी पे सिल्वर कलर लिखा है, सिल्वर और ग्रे का कहीं ना कहीं अगर देखो ना डार्क लाइट वाला कॉम्प्लेक्शन आ जाता तो इतना थोड़ा बना देंगे कि इसका तो कलर यही है, ऐसा दिल्ली वाले में हो जाता है, हो जाता है। बाकी पर है तो इनलीगली ऑफ कोर्स भाई, मैंने भी एग्जॉस्ट लगवा रखा, वो भी इनलीगली है अपने भैया। जिस दिन 10,000 का कटेगा उस दिन उतर जाएगा। इसका एक ये फायदा नहीं, देखने में लगती नहीं है कि ये मतलब आउट ऑफ मार्केट इसमें काम हुआ है, नहीं तो बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक चल रहा है, स्टॉक सी लग रही है। तो देखो भाई ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर ये जो R15 का ये देख रहे हो ना, हमने जो R1M लिखवाया है, तो ये दिमाग तेरे में कैसे आया भाई? देखो मतलब बचाने के लिए ना भाई ने ये भी लिखवा रखा है ताकि कोई मुझे ये ना कहे कि कॉपी कर रही है R1 की। अगर तेरे सोच तू ट्रैफिक के बीच में खड़ा है, एक बगल में R1M वाला हो जाए, मारेगा तुझे, कहेगा R1M कुछ जुगाड़ कर देता हूँ। तो 5 ना पहले ही अंदर लिखवाया, तो फिर इसका 1 meter आता, मतलब 1 वाला फील नहीं आता, यहाँ पे लिखवाया तो फिर इसका पूरा लोगो ही चला जाता, तो मैंने इसके लाइन के नीचे ही 5 लिखवा दिया। बाकी मेरे को भी 5 अच्छा नहीं लग रहा, पर ये मैं उखाड़ूंगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गाड़ी की इज्जत रखने के लिए है तो R15 से बदल थोड़ी जाएगी। अब देखो गधे को कपड़े पहनाने से गधा गधा ही रहता है, गधा घोड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। तो वाली बात है। आज तो भाई के भाई साहब बड़े बड़े लग रहे हैं, दबा के मारा भाई ने। तो भाई ये आ गया ना, ये इसका काम ही है, ये भाई ये नहीं मानेगा, चल हट जा। मतलब मैं ना जितनी भी क्लिप्स है ना मैं वो ऐड कर दूंगा, थोड़े से सिनेमैटिक जो भी रोलिंग रहेंगी वो सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा। बहुत ही सेक्सी काम कराया है। अब इसकी मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो इस बाइक की जो प्राइसिंग हुई है, टोटल कॉस्ट जो आई है 3500 से लेकर 4000 के बीच में आई है। अब मैं ऐसा देखो ये चीज़ ना आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। बेसिकली जो ये गन मेटल ग्रे वाला जो हम लोगों ने रैप करवाया ना, वो हमसे बोला था कि काफ़ी इसके अंदर वेराइटीज़ आती हैं। लाइक उन्होंने हमसे इससे हमें ना इससे पहले भी एक मतलब रोल दिखाया था, तो उसका कलर हमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा सा सस्ता था, और ये वाला जो था ये थोड़ा सा प्रीमियम लगा हम लोगों को, तो हमने ये करवा दिया। तो यहाँ पर क्या चीज है कि लाइक अगर आप लोग ग्राफिक्स करवाते हो या फिर कुछ भी करवाते हो, रैप करवाते हो बाइक के ऊपर, तो वो ना थोड़ी बहुत कॉस्ट आपकी ना ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है आपका कलर पे भी। काफी बार कुछ कलर सस्ते आते हैं या फिर कुछ रैप सस्ते होते हैं। जो रैप कर रखा है भाई वो काफी ज्यादा एकदम बढ़िया तरीके से करा है, राजू भाई ने जो है वो कर दिया है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई, अगर आप लोगों को भी कराना है तो आप लोग करा सकते हो। अब जैसे इस बाइक का जो मतलब 3500 से 4000 रुपए लगे, मान लो अगर आप अपाचे पे ये चीज करवाते या फिर किसी नेकेड बाइक पे कराते, तो वहां पर थोड़ा सा कॉस्ट कहीं ना कहीं 7-800 रुपए जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता, क्योंकि उसके अंदर पार्ट्स इतने ज्यादा खोलने नहीं पड़ते हैं। इसके अंदर उन्होंने पता प्रॉपर एकदम बढ़िया वाला काम किया, ये वाला पैनल पूरा निकाला, ये पूरा का पूरा पैनल पूरा बाहर निकाल रखा था, ये जो वाइजर आप लोग देख रहे हो ये निकाल दिया था, मडगार्ड पूरा बाहर निकाला था, तो ये सारे के सारे जो ये पीछे वाला पैनल देख रहे हो इसको भी निकाल करके उन्होंने प्रॉपर काम किया था, तो काफी अच्छा काम हुआ। फिनिशिंग जो है ना भाई, मतलब इधर से देखो यार कितनी, मतलब कैसे समझाऊं यार, मतलब R1 ही लग रही है पूरी की पूरी, R1M जो है ना पूरी की पूरी वैसी ही लग रही है। बाकी हम लोगों ने अलॉय ऐसे ही रहने दिए, मतलब लकी करता है कि ब्लैक कराने की देखता हूँ, मैंने बोला यार ब्लैक कराने का कोई फायदा नहीं है, नहीं करवाया ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कराने के बाद जानते क्या होता है, क्योंकि ये क्या नाम है रैप है, ये कलर तो है नहीं जो मैं लाइफ टाइम चलाऊंगा, बिल्कुल रैप ये है कि 1 साल बाद 1.5 साल बाद मेरा गाड़ी बेचने का मन करता है, या कभी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे रैप उतारना पड़ेगा, तो सिचुएशन में फिर अलॉय ब्लैक मजा नहीं आएगा ना, जो कंपनी से फिर रॉ चीज मिलती है, रॉ का और स्टॉक का मजा तो फिर मजा अलग ही है, अलग ही है, तो वो चीज़। लेकिन मैच भी कर रही है अकॉर्डिंग टू मी, ब्लैक में तो मुझे लग रहा है उतनी मजेदारी नहीं आती जितनी ब्लू में आ रही है। समझदारी बात नहीं है, तो ये चीज है, वैसे उसने तो पहले करा रखा था, बस 20 में स्टॉक कर दी थी। और बाकी क्या कहते हैं जो ये है ना, देखो एक चीज ना इसको मैंने आइडिया दिया है अभी फिलहाल, इसने ये चीज इसलिए लिखवा ली थी क्योंकि रात हो रही थी, तो उसने बोला यार खाली खाली अच्छी लग रही, तो जल्दीबाजी में मैंने करवा दी। मैंने उसको बोला था कि यहाँ से लेकर ना कुछ मतलब वो बड़ा सा प्रिंट में आएगा, जैसे मतलब आपकी अप्रिलिया अप्रिलिया पे लिखा रहता है, R15 का नहीं आएगा। हाँ, किसी और चीज़ का, अच्छा वो नहीं होता, वो क्या आएगा, पर आएगा कुछ और। तो चलो भाई, बाकी अगर हो सके तो बहुत जल्दी मैं एग्जॉस्ट भी लगवा, एग्जॉस्ट भी, बस आप लोग मेरे को कमेंट करके पैसे देते रहो, एक रुपए डोनेट करते रहो। अरे यार पपी ने चैनल खोला है, हाँ बोलो यार, क्या बोलूं, पपी फिटनेस को फॉलो करो, आ गए पपी फिटनेस को फॉलो करेगा, पक्का बिल चाहिए मुझे, पक्का बिल। चैनल का नाम तो बता, पपी फिटनेस। बता, सद्दाम फिटनेस। भाई लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के सब्सक्राइब कर देना अगर मिल पाए तो। अगर मिल पाए तो डोला वोला बना रहा है भाई अपना, टोपी लगा करके, हाँ ट्रेनर ही बनेगा कतई। तो ये है, और देखो इसके साथ ना थोड़ा सा पंगा देखो अभी पड़ेगा। अब जैसे कल लक्की जी, मतलब एक दिन हो गया इस बाइक को लाए हुए, तो लक्की जी की बाइक हो गई थी गंदी, और जो ये काम कभी जिंदगी में कर नहीं सकते हैं, वो इन्होंने मेहनत करी और बाइक को धोया खुद से, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है।
लगेगा नहीं क्या चांद पे भी दाग होते हैं, ये तो चंदू है। तो भाई ने बताया देखो खुद से बाइक धोई, इसका कहना ये था, कह रहा था कि देख प्रेशर वॉश लगवाऊंगा ना, एक तो नई नई आई है कहीं से नहीं निकलेगा, यहाँ पे कितना ही तेज प्रेशर मार लो बीच में कुछ नहीं होगा, जो ये कॉर्नर्स है ना हल्का सा प्रेशर पड़ता ही, जो एजेस हैं हल्का सा प्रेशर पड़ेगा और ये फिर मतलब यहाँ से छूटना शुरू होगा, फिर वो धीरे धीरे धीरे, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, धूप में मत खड़ी करना क्योंकि फिर ये ना थोड़ी सी स्क्वीज होती रहेगी, तो जब खिंचेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा दिक्कत देगी, तो फिर वो बुरी सी लगेगी। बाकी थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा, ये तो है नहीं भाई, बट लेकिन इसका मेरे को देखो कलर कराने से बेस्ट चीज़ का ये है, मन जिस दिन भरेगा उखाड़ो फेंको दूसरा करवा लो। हाँ ये इसके नीचे था, हाँ ये नीचे था इसके, चाहो तो आप कटवा के भी करवा सकते हो, पर मैंने इसको निकलवा के ऊपर ऊपर चिपकाया, फिर क्योंकि आपको दिक्कत होती ना काटने में तो फिर वो और ज़्यादा दिखता, तो ये भी बेस्ट चीज है। तो बाकी भाई देखो ये पूरा था, एक बार मैं आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ, इसके इंडिकेटर दिखाओ जरा कैसे लगवाए इसने, ये वाले लगवाए हैं पहले, ये इसने ऐसे लगवाए, लेकिन ये ना पर्सनली बताऊँ ना रात में बहुत मस्त लगते हैं यार, बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं, एक वीडियो क्लिप अटैच कर देंगे। तो भाई यही था वीडियो, देख लो आप लोग बताना जरूर कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी बाइक, मुझे तो बहुत मस्त, जब इसने मतलब जैसे उस बंदे ने ना इसके ऊपर खाली रैप चढ़ाया, मैं कहा भाई ये टॉप नॉच बनने वाली है चाहे कुछ भी हो जाए, और सच में मतलब एकदम निकल के ही आई है बाइक, तो रात में तो शूट नहीं कर पाए थे हमने, बोला क्या करेंगे रात में, तो फाइनली आप लोगों के पास बाइक है। बाकी थोड़े बहुत सजेशन दे रहा हूँ, और मैं भी सोच रहा हूँ अपनी बाइक पे भाई कुछ कराने का, तो मुझे भी बताना कुछ क्या थीम कराई जाए, कुछ इससे मैचिंग कराई जाए या इससे हटके कराई जाए, क्योंकि जब ये दोनों सिल्वर सिल्वर थी ना तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। तो भाई चलो फिर मिलते हैं, और बाकी एक आधी शॉट जो रहेगा रात वात का मैं वो डाल दूंगा, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।